विभाग से खबर है, जहां उत्तराखंड के मौसम विभाग ने 7 जुलाई और 8 जुलाई को गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। वहीं श्री केदारनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो 7 जुलाई को ऋषिकेश से आगे चारधाम यात्रा शुरू ना करें, और जो यात्री यात्रा स्थल पर पहुंच चुके हैं वो भारी बारिश की संभावना को देखते हुए वहीं विश्राम करें। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। बता दें कि भारी बारिश के कारण पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं, वहीं भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो रही है, साथ ही नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हालांकि प्रशासन जेसीबी मशीन से अवरुद्ध सड़कों को तत्काल खोलने का प्रयास कर रहा है। दोपहर से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के द्वारा जो है ये 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम भी बहुत ख़राब है, रुक रुक के लगातार वर्षा हो रही है, नदियों का जल स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है और बैराज से भी सिल्ट गाद वगैरह साफ करने के लिए नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। इसलिए सभी नागरिकों से अपील है कि नदी के किनारे ना जाएँ और बहुत ही आवश्यक हो तभी यात्रा करें, क्योंकि सड़क पर भी जो है पत्थर वगैरह आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है जिससे रास्ते ब्लॉक हो जा रहे हैं। यद्यपि हमारी जेसीबी मशीनें जो है स्लाइड जोन पर जो है हुई है, लगातार काम कर रही हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि यथा समय जल्दी से जल्दी जो है विद इन बहुत मिनिमम टाइम में जो है रोड को साफ कर दें। इसके अलावा हमारी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, इसके अतिरिक्त डीडीआरएफ की टीम लगी हुई है और तहसीलों में जो आपदा के उपकरण है उसको भी हम चालू अवस्था में रखे हुए हैं कि तत्काल कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हम यूज कर लें। लेकिन विशेषकर नागरिकों से अपील है कि ऐसे भारी मौसम में बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों पर ही रहें।